ये कुछ 3-3.25 मरले के अंदर बना हुआ है और फ्राश टाउन संवाद के अंदर है। फ्राश टाउन बेसिकली लेत्राल रोड जो है उसमें है, अलीपुर और फ्राश ये एक ही है और फ्राश टाउन के अंदर वहां पे एक मकान बना हुआ आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। असम नाजिर जफर इकबाल एस्पायरियर स्टेट के प्लेटफॉर्म से हाजिर करना तू आपके साथ में। इससे पहले भी गवर्नमेंट इस्लामाबाद में डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट शेयर कर चुका हूँ जिसके अंदर हाई राइज कमर्शियल्स भी हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, इसी तरह से डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ के प्रोजेक्ट्स भी शेयर करता हूँ। मेरे बहुत से नाज़रीन की रिक्वेस्ट आती रही है मुझे, इसी तरह से बहुत से मेरे दोस्त बाप भी चाह रहे होते हैं कि आप हमें कोई बना बनाया मकान वो दिलवा दें। किसी अच्छी सोसाइटीज ने भी बाज़ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, बाज़ लोग चाह रहे थे यार किसी हमें जो लोकल एरियाज हैं वहाँ पे अगर कोई मकान है जो सस्ता भी है और अच्छा बना हुआ है वो भी आप दिखा दीजिए। इसी तरह से बाज़ लोग कम आमदनी वाले मकान भी चाह रहे होते हैं, इसी तरह बाज़ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कोई अच्छी लग्जरी किस्म का मकान दिखा दें। तो आज से मैं एक नया सिलसिला अपने चैनल के ऊपर स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि जो जो ऑप्शंस मेरे पास आते जाएंगे मकानों के सिलसिले में मुख्तलिफ अहबाब की तरफ से वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इसके अंदर अच्छी क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के भी मकान होंगे, अच्छी सोसाइटीज के अंदर भी हैं, इसी के अंदर डिफरेंट जो लोकल आबादीज के अंदर भी अगर कोई मकान है जिसके अंदर ग्रे स्ट्रक्चर्स भी हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसी वजह से मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स जो रेडी हैं, तैयार हैं बाज अच्छे प्लाजो के अंदर, अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो रेडी अपार्टमेंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसमें। तो आज आपके लिए जो मैं लेके आया हूँ ये एक छोटा सा मकान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये 3-3 मरले के अंदर बना हुआ है और फ्राश टाउन संवाद के अंदर है। फ्राश टाउन बेसिकली लेत्राल रोड जो है उसमें है, अलीपुर और फ्राश ये एक ही है और फ्राश टाउन के अंदर वहां पे एक मकान बना हुआ आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। उस पर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ये जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक इन टाइम पहुंच सके। तो आइए नाज़रीन मैं आपको अपनी LCD के ऊपर लेके चलता हूँ, वहां आपके साथ में शेयर करता हूँ और साथ ही उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, साथ ही उसके बारे से मैं डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आइए चलते हैं। तो नाज़रीन अगर मैं फैजाबाद से फ्राश टाउन की तरफ जाना चाहूँ तो उसके दो रास्ते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो पहला रास्ता है फैजाबाद से मल रोड से होके वाया चक्षजाद होते हुए और इसी तरह त्रामली आएंगे, त्रामली से ये फ्राश टाउन की तरफ निकल जाएगा, एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता इसका वाया खना पुल है, तो फैजाबाद से आप आके सीधे खना पुल पे आएंगे और खना पुल से ये सीधे त्रामली से होते हुए आप फ्राश टाउन चले जाएंगे। तो ये बेसिकली दो रास्ते हैं फ्राश टाउन जाने के। तो आइए अब मैं जाकर आपको वीडियो मकान के अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3 मरले के अंदर घर बना हुआ है और माशाल्लाह अच्छा बना हुआ है। ये इसके जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ ये पोर्च इसका जो है ना काफ़ी बड़ा पोर्च है। इसी तरह से ये इसका जो है एक रूम जो है ना आप देख सकते हैं, सीलिंग वगैरह भी हुई हुई है और वॉल्स अच्छी पेंटिंग वगैरह है, मार्बल का नीचे काम हुआ हुआ है। और यहाँ से जैसे सामने हम जाते हैं तो ये एक जो ना एक रूम ये है, इसमें इसके भी आप छत के ऊपर भी आप देख सकते हैं ऐसे ये कमरा। इसी तरह से ये किचन एक जो ना, और फिर एक कमरा ये है इसमें मार्बल का काम साथ सीलिंग वगैरह का काम हुआ हुआ है, अटैच बाथ है इसके साथ। इसमें मैं नीचे की इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि यहाँ पे फैमिली वगैरह रह रही है तो उनके सामान वगैरह पड़ा हुआ है, रेंट पे है, तो इसलिए मैंने नीचे की वीडियो नहीं बनाई। जो बाहर वैसे ओपन पॉसिबल था मैंने बना ली है इसमें, ये 3 मरले में बना हुआ। तो नाज़रीन ये जो आपके साथ मैंने मकान शेयर किया है बेसिकली ये 3-3 मरले के अंदर बना हुआ है और एक अच्छा मकान बना हुआ है। इसको अगर आप लेना चाहेंगे जो इन लोगों की जो डिमांड है 42 है, तो थोड़ी बहुत नेगोशिएशन भी हो सकती है इसके ऊपर। आपको डायरेक्टली हम कोशिश करेंगे कि जो ऑनर्स हैं उनके साथ बिठा देंगे, आप
इसमें बैठ के डील तय कर लीजिएगा और उसमें हम आपसे जस्ट अपने जो सर्विस चार्जेस नॉर्मल होते हैं वो हम आपसे सर्विस चार्जेस देंगे और आपकी डील डन करवा देंगे। तो आप इसके वाले से, इसकी लोकेशन के वाले से, बाकी और किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे आप हमारे ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको भरपूर सर्विसेज देंगे। आपसे आखिर में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक इन टाइम पहुंच सके। आप सब दोस्तों का देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।